नमस्कार, मैं प्रज्ञा धाधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में आज से बहुप्रतीक्षित जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी का इजहार किया है। तेजस्वी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज से एक बड़े काम की शुरुआत हो रही है जो गरीबों और सभी वर्गों के हित में है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की मांग तो लालू यादव शुरू से ही करते आ रहे हैं जो आज पूरी हो गई है। पश्चिम बंगाल को अब से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई, तब से राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए, अब उनके मंत्री उदयन गुहा ने एक कदम बढ़कर आरोप लगाए हैं। गुहा ने कहा कि सामान्य ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया है और हाई स्पीड ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने में 8 घंटे क्यों लग रहे हैं? आम ट्रेन को वंदे भारत की तरह पेंट करने के लिए लोगों के पैसे का इस्तेमाल न करें। बिहार सरकार की बहुचर्चित जाति आधारित जनगणना आज यानी 7 जनवरी से शुरू हो गई है। इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाने की जिम्मेवारी सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी है। सहम काम का पूरा करने के लिए प्रदेश के शिक्षक, आंगनबाड़ी, मनरेगा और जीविका कार्यकर्ता की मदद ली जाएगी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के लुक में एक बच्चा राहुल गांधी के साथ चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे का नाम अभिमन्यु है, वह 5 वर्ष का है। बच्चे के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब अभिमन्यु 3 साल का था तो उसने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। इसके साथ अभिमन्यु के पिता ने बताया कि वह फोन पर वीडियो देखकर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान डुमरा प्रखंड के बेरवास गांव में लोगों का गुस्सा भी मुख्यमंत्री के प्रति दिखाई दिया। लोगों ने बेरवास पंचायत भवन में लगाए गए तमाम सरकारी पोस्टर को क्षतिग्रस्त करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों ने घंटों मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। लंबे वक्त से बॉलीवुड फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड हो रहा है। इस वक्त शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान को लेकर इंटरनेट पर लगातार कुछ संगठन फिल्में न देखने की मांग कर रहे हैं। इसे पूरे घटनाक्रम पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज यानी FWICE ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। FWICE ने अपने इस बयान की एक कॉपी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्मों के लगातार बायकॉट की कड़े शब्दों में निंदा की है। बिहार के धर्म विशेष के युवाओं को भड़काकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गजवा ए हिंद मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थिएटर मॉड्यूल केस में NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। NIA ने पटना के फुलवारी शरीफ निवासी आरोपी मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के खिलाफ IPC की धारा 121, 121A, 122 और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 13, 18, 18B और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। सरकारी या प्राइवेट कंपनियों की तरफ से महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश के बारे में ही सुना होगा। यह अवकाश 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने का होता है, लेकिन अब पिता बनने वाले पुरुषों को भी 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी और इसे पैटर्निटी लीव की कैटेगरी में रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व शुरू हुई नीतीश की समाधान यात्रा शनिवार को वैशाली में होगी। यहां नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी वैशाली के इलाकों में उनके साथ घूमेंगे। यह पहला मौका है जब नीतीश की इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। देश के सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर में 8, 9, 10 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रवासी सम्मेलन कोविड महामारी के चलते 4 साल बाद होने जा रहा है जिससे इसका महत्व बढ़ गया है। इससे पहले 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में वर्ष 2021 में वर्चुअल मोड में हुआ था। इसके बाद अब इंदौर शहर में होने जा रहा है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारत में खिलौने बेचने वाली करीब 160 चीनी कंपनियों को अभी तक अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। यह देरी कोविड-19 महामारी के चलते हुई है। भारत ने जनवरी 2021 से ही देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से ISI गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, चीन की लगभग 160 खिलौना कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में BIS गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आवेदन किया है। हमने अभी तक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के पहुंची सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देंगी, यानी अगले कुछ महीनों में वह आखिरी बार कोर्ट पर दिखेंगी। चोट के कारण उनकी 2022 की रिटायरमेंट योजनाओं में देरी हुई थी। US ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया ने इसकी घोषणा की थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर यूरिन करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। पुलिस आरोपी को दिल्ली लेकर आ गई है। आरोपी शंकर मिश्रा का आज कोर्ट में पेशी होगा। आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगेगी।
एक साल के भीतर गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। साल 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा वाहन बिके हैं। इनमें टू व्हीलर से लेकर ट्रैक्टर और मालवाहक वाहन तक शामिल है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2021 के मुकाबले केवल बाइक की बिक्री थोड़ी कम हुई है। भारतीय रेलवे का उपक्रम IRCTC आए दिन कई नए और किफायती पैकेज लॉन्च करते रहता है। इसी कड़ी में IRCTC ने माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज के तहत आप कम से कम 8,375 रुपए में वैष्णो देवी घूम सकते हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से एक बार फिर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि भारत जैसे देश जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मौसम में असामान्य बदलाव के प्रभाव से देश भर में 2,227 मौतें दर्ज की गई। 1901 के बाद से 2022 पांचवा सबसे गर्म वर्ष था। वास्तव में जनवरी और फरवरी को छोड़कर वर्ष के 10 महीनों में देश में सामान्य से ऊपर मासिक औसत तापमान दर्ज किया गया। इसे 2022 पांचवा सबसे गर्म वर्ष बन गया। विश्व स्तर पर भी 2022 संभवतः पांचवा या छठा सबसे गर्म वर्ष था। विश्व मौसम विज्ञान विभाग की अप्रैल के अंत में जारी होने वाली स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में इसकी सटीक जानकारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में CJI जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी दोनों बेटियों के साथ पहुंचे थे। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। इस दौरान CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपनी दोनों दिव्यांग बेटियों के साथ वहां चहलकदमी भी की। दोनों बेटियां व्हील चेयर पर थी। CJI ने बेटियों को सर्वोच्च न्यायालय परिसर के आसपास की चीजों के बारे में बताया। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के दौरान भी भारी सर्दी के बीच लोगों की भीड़ इस यात्रा में दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 112 दिन पूरे होने पर कल पानीपत में कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि 2019 में वो एक योजना लाना चाहते थे जिसमें हर गरीब मजदूर और किसान को उसके खाते में 72,000 रुपए दिए जाने थे। राहुल ने कहा कि आगे जब उनकी सरकार आएगी तो वह योजना शुरू करेंगे। केंद्रीय IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000 से 5,000 रुपए की माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बोलते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के हर कोने में 4G और 5G सेवाएं लेने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रूसी तेल का कारोबार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बीच खबर है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को छूट के साथ भारत और चीन को बेच रहा है। पहले यह तेल यूरोप के देशों को बेचा जा रहा था, लेकिन पिछले महीनों से यूरोपीय देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया जिसकी वजह से इसकी सप्लाई चेन दूसरे ग्राहकों की ओर मोड़ दी गई। भारत 12 और 13 जनवरी को वायर्स ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा जिसमें करीब 120 देश हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव विनय कवात्रा ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि यह एक आभासी शिखर सम्मेलन होगा और इसकी थीम आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता होगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 2 प्रमुख सत्रों की मेजबानी की जाएगी। कवात्रा ने कहा कि सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की कल्पना की गई है। कवात्रा ने कहा कि सम्मेलन भारत के वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को गुणवत्ता के महत्व को समझना और उसकी राह पर चलना होगा। श्री गोयल के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार है। वे राजधानी में भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारत में औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण पोर्टल का उद्घाटन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। उन्होंने मंच से राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की और अपना नेता बताया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी राहुल गांधी को अपना नेता बता चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर चढ़ाते, उतारते और ले जाते दिखे। ऐसे में ये लगभग तय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। सुकन्या समृद्धि योजना और सार्वजनिक भविष्य निधि को छोड़कर सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को ऊपर की ओर बढ़ाया गया है। अब इन योजनाओं पर ब्याज दर की पेशकश आकर्षक हो गई है। पोस्ट ऑफिस की FD भी अवधि के आधार पर 6.5 से 7% की रिटर्न दे रही है। यह सितंबर 2022 के बाद सरकार की तरफ से दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर दिसंबर 2022 तिमाही के लिए कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई थी। यह जनवरी 2019 के बाद पहली बढ़ोतरी थी। देश में शुरू होने जा रहा है एक सफर यादगार व भारत की शान बनने जा रहा है। जलमार्गों के महत्वपूर्ण विस्तार के साथ भारत का क्रूज पर्यटन उद्योग एक शानदार नई यात्रा शुरू करने को तैयार है। वाराणसी में गंगा नदी से डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी तक दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला यह रिवर क्रूज 10 जनवरी से शुरू होगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 2,300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करता हुआ बांग्लादेश से होता हुआ डिब्रूगढ़ तक जाएगा।
भारत की G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम नेताओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले नेता हैं। श्रृंगला ने कहा कि किसी भी वैश्विक निर्णय में दुनिया के शीर्ष नेता अक्सर पीएम मोदी की राय लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों तक हर बार पीएम मोदी से बात जरूर की जाती है। श्रृंगला ने कहा कि आज भारत क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे संगठनों का हिस्सा है। वहीं G7 के हर सम्मेलन में पीएम मोदी को बुलाया जाता है। भारत का अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले बल्लेबाज उन्मुक्त चंद पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियम के लिए खेलेंगे। इससे पहले उन्मुक्त बिग बैश में हिस्सा ले चुके हैं। उन्मुक्त चंद को चट्टोग्राम चैलेंजर्स की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है जिसके कप्तान सुवागत होम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्मुक्त चंद ने कहा कि इन लोगों में खेलना हमेशा सम्मान की बात होती है और मैं इसका लुत्फ उठाना चाहता हूं। मैं पहले BCCI के साथ था इसलिए हिस्सा नहीं ले सका। जब से मैंने भारत छोड़ा है मैं कई पेशेवर क्रिकेटरों के साथ पूरी दुनिया में खेलने में सक्षम हूं। वर्ष 2023 का आगाज हो गया है और यह वर्ष क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा खास रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष भरपूर क्रिकेट का मनोरंजन रहेगा। भारतीय टीम के लिए अगले पड़ाव के रूप में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है। उसके अलावा इस वर्ष एशिया कप और ODI विश्व कप का आयोजन भी भारत में होने जा रहा है। ट्रेन में सफर के दौरान एक बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा था। ट्रेन से उतरने के दौरान बच्चों का खिलौना ट्रेन में ही छूट गया। बच्चा अपने माता पिता के साथ घर चला गया। उधर ट्रेन में बच्चे के माता पिता के बर्थ के सामने वाली सीट पर यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री ने देखा कि बच्चे का खिलौना छूट गया है तो उसने हेल्पलाइन पर फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद रेलवे अधिकारियों की एक टीम उनके घर पहुंची और बच्चे के खिलौने को सौंप दिया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंबिका कर्ण, अखिलेश यादव, नन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद आजाद, रॉय रोशनी, रेणु देवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, के सिन्हा, कौशल कुमार झा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।